टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाने महानगर पालिका महासभा में आज विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानु पठान ने मुंब्रा के विकास और पानी के मुद्दे पर महापौर की कुर्सी के सामने लेटकर आंदोलन किया है। शानु पठान का कहना है कि मुंब्रा में नगर सेवकों की निधि रुकी हुई है और पानी की भी काफ़ी किल्लत है और आज इसी मुद्दे पर महासभा में काफ़ी हंगामा देखने को मिला है। शानु पठान जिस वक्त महापौर की कुर्सी के सामने आंदोलन कर रहे थे उसी वक्त वहां पर सेना के भी नगर सेवक पहुंच गए और राष्ट्रवादी और सेना के दोनों लोग आमने सामने आ गए। हालांकि इसी बीच नजीमुल्ला और विक्रांत चौहान ने शानु पठान को समझाया और बाद में महासभा में आवाज़ उठाने को कहा है। इसी दौरान बीजेपी के नगर सेवक भी वहां तंज कसते हुए नजर आए। बीजेपी के नगर सेवक नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, कहा कि ये सिर्फ स्टंटबाजी हो रही है। प्रश्न उपस्थित गंभीर विषय है। ठाणेकरचे मूल सुविधा पानी, शौचालय और लाइटें, पोल लाइटें कहीं ना कहीं उन पे महासभा में हर नगर सेवक प्रश्न उपस्थित कर रहे, आयुक्त के दालने पे मिल के भेंट करके उनको निदर्शन में डाल रहे, महापौर के निदर्शन में डाल रहे और आंदोलन के जरिए भी डाल रहे, लेकिन प्रशासन को कान के जू नहीं रोंग रहा। प्रशासन के ऊपर से नकेल हट चुकी है। इसीलिए इससे पहले की महासभा में सभागार नेता अशोक वैती जी ने खुद कहा कि मेरे 14 लाख के काम को शौचालय को करा नहीं जा रहा है और महापौर की खुद रूलिंग है कि 10 कोटी में बजट तरतूत कर रहा हूँ शौचालय को बनाने के लिए, उसके काम शुरू हो जाएंगे। तो जब प्रशासन के जरिए आदेश होने के बावजूद सत्ताधारी का आरोप है और हम सबका भी आरोप है, सभी नगर सेवकों का, तब प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो रास्ते नागरिकों के लिए, एक सभागृह में बोलना जो सभी नगर सेवकों ने बोल दिया, दूसरा आंदोलन के जरिए प्रशासन को जगाना। मैंने हम लोगों ने बारंबार ये बोला है कि आपको जो मूल सुविधा है गटर वाटर पानी स्ट्रीट लाइट ये शौचालय इनके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, इनके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसी के लिए आयुक्त को तुरंत बुलाया जाए और बजट जो मूल सुविधा है जो इमरजेंसी वर्क है उस पर तुरंत बजट दिया जाए। ऐसा प्रशासन के सत्ता के नगर सेवक खुद आरोप लगा रहे उस पर निर्णय के लिए आयुक्त को बुला के इस पर निर्णय लिया जाए, ऐसा हम लोग ने मांगनी की सभागृह में पहले अपने मत के जरिए भाषण के जरिए सभी नगर सेवक, लेकिन आयुक्त को ना बुलाते हुए सभागृह ऐसे ही शुरू कह दिया जाए और जो नगर सेवक का काल है ऐसे ही खत्म हो जाए, थाने करके विषय को भूला जाए, इसको लेके आज ये महासभा के ऊपर जो गोंधल हुआ वो हुआ है। कोई हमें ये नहीं सिखाए कि विरोधी पक्ष नेता को कैसे काम करना चाहिए और कैसा नहीं। आपको अगर देखना है तो आप खुद अक्षर वेदी जी की बातों को सुन लीजिए। थाने करके मूल सुविधा के ऊपर काम नहीं होगा, ऐसा हमारा आंदोलन और ऐसा हमारी जो प्रदर्शन है सभागृह जरिए और बाहर चालू रहेगा। हमारी आगाड़ी है और हम आगाड़ी चाहते हैं कि हम थाने में भी आगाड़ी हो, लेकिन हम थाने करके मूल सुविधा को भुला दे ऐसा हो नहीं सकता। अगर आयुक्त को बजट नहीं देना है तो फिर सभागृह महासभा में बजट मंजूर क्यों किया, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रहा है कि प्रशासन के ऊपर अब नकेल नहीं है। हमारी मांग, हमारा जो हक है, भीख नहीं है, प्रशासन के ऊपर हमारा हक है, हम लेके ही रहेंगे, क्योंकि ये मुगलशाही है, राजशाही नहीं है कि आप लूट लो नागरिकों का पैसा और काम नहीं करोगे। क्या आपने
थाने के टैक्स का पैसा रोका है, थाने घर को टैक्स बराबर आ रहा है, थाने घर को पानी का बिल बराबर आ रहा है, शहर विकास में पैसा बराबर आ रहा है। तो जब एक तरफ ये सारा पैसा आ रहा है तो छोटे छोटे काम जो है वार्ड की समस्याओं के वो आप क्यों नहीं कर रहे? इनका इनका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको जरूरत ही नहीं है काम करने की। एक तरफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि इनको नहीं लगना चाहिए। मैं भी यही मांग कर रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी में जितने भी प्रकरण हुए और ऐसे जो महापौर महोदय ने कहा है कलवा या मुमरा में थाना में कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी लगना चाहिए और एक सीआईडी मार्फत एक रिटायर्ड जज की इंक्वायरी लगना चाहिए और जो 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 आरोपी है जो भी कोई है उसको उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट हम सभी लोगों के नगर सभा को ये मांगनी है। कहीं ना कहीं 131 नगर सभा के मन के अंदर आक्रोश है लेकिन कोई सत्ताधारी के पक्ष में कई कुछ लोग हैं उनको दबा रहे कि मत बोलो लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश 131 नगर सेवक है। इसीलिए हमारा स्पष्ट अनुभव है 131 नगर सेवकों को आपको इमरजेंसी वर्क काम करने के लिए 2-2 करोड़ देना ही पड़ेगा और ये भीख नहीं मांग रहे, ये थानेकर का हक है, ये उनका टैक्स का पैसा है, ये उनके पानी का बिल का पैसा है। अगर आप नहीं दे रहे तो आप ये साल का टैक्स का पैसा और पानी का बिल माफ कर दो। सर जो आज जो मुंब्र्याच्या पाणी प्रश्नावरून हा संपूर्ण गोंधळ झालेला आहे, आता मुंब्र्यामध्ये काय परिस्थिती आहे नक्की पाण्याची आणि काय रिमॉडेलिंग होते? राष्ट्रवादी के अंदर एक ही गुट है वो है डॉक्टर जितेंद्र आवाजी और शरद पवार, हम उनके गुट के किसी कोई भी गुट में जाना जाने दो। हाँ ये है हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, जो भी कुछ बोला जाता है चाहे हम हमारे महापुर से भी मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, ठीक है हम वैचारिक लड़ाई है, काम करके दो हम काम कराने हैं। हमारे आयुक्त से भी लड़ाई नहीं, हमारे कोई प्रशासन से भी लड़ाई नहीं और हमारे कुछ सीनियर नगर से हो गए हमारी उनसे भी लड़ाई नहीं है। कुछ लोग रहते हैं उनकी उनको ये बात नहीं लग रहा है कि हाउस के अंदर बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमको लग रहा है कि हाउस के अंदर प्रशासन को जागृत करने के लिए हमको आंदोलन करना चाहिए, हम कर रहे हैं। मैंने अभी आपके सामने बोला सभाग्रह, अगर वो ऐसा कोई कर रहा है तो उनके ऊपर प्रशासन को तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए और अगर नहीं कर रहा है तो प्रशासन की फेलियर है। इसीलिए विक्रांत भाई ने सभाग्रह के अंदर बोला, हमारे नगर सेवक है अपन असाली मैडम ने बहुत मुद्दे किया